Bismillahirrahmanirrahim. My name is Harim and it's my YouTube channel. I'm going to upload my video regarding BA, BSc and MA. This poem will be very helpful for the students of BA and MA English plus BSc. Kyun? Kyunki a poison tree poem ka naam hai. And this poem is included in the syllabus of BA, BSc and MA English. Now I'm going to introduce you to the biography of William Blake. William Blake के बारे में मैं अब आपको बताऊंगी कि जिन्होंने ये शायरी लिखी है, जिन्होंने पोइम लिखी है पॉइजन ट्री. अब इसमें जो राइटर है विलियम ब्लेक, यानी पोइट, आपके पोइट, इस पोइम के पोइट, इनकी डेट ऑफ बर्थ कब हुई? विलियम ब्लेक वॉज बोर्न इन 1757 एंड डाइड इन 1827. डेट याद रखना मुश्किल नहीं है कि 1757 में इनकी बर्थ हुई और 1827 में इनकी डेथ हुई. ही वॉज एन आर्टिस्ट. ये बहुत फेमस एक चीज़ है इनके हवाले से और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो एक आर्टिस्ट थे. कैसे एक आर्टिस्ट थे? क्योंकि विलियम ब्लेक एक ऐसा वाहिद शायर है जो कि आपको ड्राइंग के साथ भी पोइट्री एक्सप्लेन करके बताता है. ऐसे कोई और शायर नहीं है. और जितने भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं बीए की जितनी भी इंग्लिश की बुक्स हैं, बीएससी की और एमए का आपका सिलेबस, तो ये वर्ल्ड फेमस पोइट्स एंड राइटर्स, यू आर रीडिंग अबाउट द वर्ल्ड फेमस पोइट्स एंड राइटर्स, दुनिया के ये मशहूर तरीन शायर और आप ड्रामा निगार, जितने भी राइटर्स हैं, प्रोज राइटर्स हैं या प्ले राइटर्स हैं, आप वो पढ़ते हैं, नसर निगार, ड्रामा निगार, तो ये वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस लिटरेचर आप पढ़ते हैं. तो विलियम ब्लेक के बारे में आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है. ये ज़्यादातर ना डिवाइन कॉमेडी भी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जैसे कि डेंटे एक और पोइट था, तो उनकी डिवाइन कॉमेडी से और ग्रेस की पोइम से बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर हुए. सो हेयर इज़ द पोइम. अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी पोइम अ पॉइजन ट्री. लेट्स डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम. रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के साथ मैं आपको बता रही हूँ. आपने रेफरेंस ऐसे एक्सप्लेन करना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ पॉइजन ट्री रिटन बाय विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक ने पोएम लिखी है. पोएम के टेक्स्ट है, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, कि मैं अपने दोस्त से नाराज था. आई टोल्ड माई रैथ, कि मैंने अपना गुस्सा अपने दोस्त को दिखा दिया. ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैंने उसको गुस्सा किया. रैथ कहते हैं गुस्से को. माई रैथ डिड एंड, मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया. आई वॉज एंग्री विथ फो, कि मैं अपने दुश्मन से नाराज था. आई टोल्ड इट नॉट, लेकिन मैंने अपने दुश्मन को अपना गुस्सा नहीं बताया. माई रैथ डिड ग्रो, तो मेरा गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया. ठीक है, तो इसमें अब आपने बताया है कि अगर आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हैं तो आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आप अपना गुस्सा किसी को बयान नहीं करते तो वो आपके अंदर जहर बन जाता है. अब इन लाइंस में ये क्या कह रहा है, या सबसे पहले मैं आपको इसका बताऊंगी कि आपने इसका कंटेक्स्ट कैसे लिखना है. इन लाइंस को एक्सप्लेन करने से पहले आप कंटेक्स्ट लिखेंगे. कंटेक्स्ट आपने ऐसे ही कहना है, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट हेटर्ड इज लाइक अ पॉइजनियस ट्री, के जो गुस्सा होता है, नाराज़गी होती है, वो एक जहरीले दरख्त की तरह होता है. इफ़ एंगर एंड स्कॉर्न आर नॉट एक्सप्रेस्ड, कि अगर आप गुस्सा और किसी पर भी आप गुस्सा हैं तो उसको अगर आप शो नहीं करते, दे कीप ऑन ग्रोइंग, तो आपका गुस्सा या आपके अंदर एक लावा जो है वो बढ़ता रहता है. एंड देन द पोइट एक्सप्रेस्ड हिज एंगर टू हिज फ्रेंड. अब लेकिन शायर ने क्या किया, उसने अपना एंगर अपने दोस्त को बता दिया. इट डिसअपीयर्ड, मतलब आप ये देखें अपने कंटेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं ना उसमें आपकी शॉर्ट समरी होगी. तो उसने जब अपना गुस्सा अपने दोस्त को बता दिया कि मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँ, तो उसका गुस्सा ख़त्म हो गया. ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर टू हिज एनिमी, इट ड्रॉ इन टू अ पॉइजनस ट्री, लेकिन उसने अपना गुस्सा अपने दुश्मन को नहीं बताया तो वो एक जहरीले दरख्त की तरह बन गया. द पॉइजनस ट्री किल्ड हिज एनिमी, नो डाउट हेटर्ड विच इज द आउटकम ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट कैन हार्म अ राइवल, बट कल्टिवेटिंग हेटर्ड इज इट सेल्फ इज नॉट एडमायरेबल थिंग, एंड द यूज ऑफ वर्ड एप्पल इज रिमिनिसेंट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन एंड आइडियल ऑफ टेम्पटेशन. अब आपको एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, बाकी सब छोड़ दें, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एप्पल ट्री था. ठीक है, पॉइजन ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री किस किस्म का ट्री था, वो एक एप्पल ट्री था. अब आपने ये याद रखना है कि एप्पल ट्री की बात कर रहे हैं जो शायर है. अब ये एप्पल ट्री और एक गार्डन जो बयान किया है ना शायर ने, कि गार्डन था, उसके अंदर एक दरख्त लगा हुआ था, दरख्त पे बहुत ही चमकते हुए
सेब लटक रहे थे। तो अब यहाँ पर शायर किसकी बात कर रहे हैं, शायर एक रिलीजियस रेफरेंस दे रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये रिलीजियस पोइम से, रिलीजियस पोइट्री से विलियम ब्लेक बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, तो इस वजह से ये गार्डन ऑफ ईडन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये उस दरख्त की बात कर रहा है जिस जो शजर ममनुआ था, जिससे अल्लाह ताला ने मना किया था हवा को और आदम दोनों को कि तुम लोगों ने इसका फल नहीं खाना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजियस रेफरेंस भी दे रहा है विलियम ब्लेक, आपने याद रखना है। ईडन का आपने रेफरेंस देते हुए आपने कंटेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद आपका सेकंड स्टेंजा है, ये मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको और वाजह करके बता देती हूँ, जो मिड में स्टेंजा है मैं अब आपको ये करवा रही हूँ। एंड वाटर्ड इट इन फियर, कि मैंने इसे अपने डर का पानी दिया। एंड नाइट एंड मॉर्निंग, रात और सुबह, विद माई टीयर्स, किससे, अपने आंसुओं से। एंड इट शंड इट विद स्माइल्स, अब ये जो संड का जिक्र कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि अब देखें पौधा जो कोई भी होगा ना, तो वो धूप में कितना अच्छा, वो धूप नहीं लगेगी तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने उसको संड कैसे किया, अपनी स्माइल से, मतलब जो भी वो करता रहता था मैं उस पर जस्ट स्माइल कर दिया करता था, मैंने अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखा और स्माइल से, अपनी स्माइल से मैंने सब कुछ इग्नोर किया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज फीलिंग्स। नेक्स्ट विथ सॉफ्ट डिसाइटफुल, डिसाइटफुल जो है ना धोखादेही को कहते हैं, वाइल्स, विथ डिसाइटफुल वाइल्स। तो अब आपने यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वाटर और सन जो है ना दोनों ज़रूरी होते हैं किसी भी पौधे की, किसी भी दरख्त की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है, बोथ वाटर एंड सन आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री, वाटर एंड सन हेल्प हिम इन ग्रोइंग हिज ट्री ऑफ रेथ। लेकिन अब जो पानी और सूरज दोनों थे, उन्होंने किस चीज़ में हेल्प किया कि उसके, मतलब शायर के गुस्से में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। ठीक है, शायर यहाँ पर आई का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, तो अपनी बात कर रहा है इस पोएम में। नेक्स्ट आपका स्टेंजा है, एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, कि ये दिन और रात बढ़ता रहा और एक बिल्कुल, एक होता है ना सेब जिस तरह से चमकता हुआ सेब, बहुत अट्रैक्टिव सेब जो है उसकी शक्ल उसने इख्तियार कर ली, बड़ा ब्राइट एप्पल था, बहुत खूबसूरत। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल अस दैट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज टेकिंग केयर ऑफ द ट्री इट ग्रो डे एंड नाइट वेरी रैपिडली, बड़ी जल्दी से वो दिन रात बढ़ना शुरू हो गया। एंड वन डे इट बाउट एन अट्रैक्टिव एप्पल इन द फॉर्म ऑफ अ, इन द फॉर्म ऑफ एन एप्पल, के एक फ्रूट जो है, एक फ्रूट की फॉर्म में एक सेब बन गया, मतलब एक ऐसा फल जो कि चमकता हुआ सेब था। हिज एनमी ऑब्जर्व डैट द फ्रूट वॉज शाइनिंग एंड ब्यूटिफुल, जब उसके एनमी ने देखा कि ये बड़ा ही कोई खूबसूरत किस्म का फ्रूट है, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का फल है, तो फिर उसने क्या किया कि उसका जो दुश्मन था उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। एंड ही वॉन्टेड इट कनंगली, और उसने कहा कि मैं इसको ना बड़ी चालाकी से हासिल कर लूँगा। स्टेंजा नंबर 4 है आपका, इनटू माय गोल्डन स्टॉलन, अच्छा यहाँ पर ना स्टॉल कहते हैं चुराने को, एंड इनटू माय गार्डन स्टॉल व्हेन द नाइट हैड व्हर्ल्स द पोल इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी माय फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री। सो इन दिस लाइन द पोएट इज सेइंग दैट द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय हिम, जो भी उसने एफर्ट्स की हैं, ही सेज Since his enemy wanted to pluck the fruit of the tree, कि अब यहाँ पर जो शायर है उसका दुश्मन क्या चाह रहा था कि वो इसके गार्डन में छुपके से दाखिल हुआ। ठीक है, माई गार्डन इन स्टॉल, ये स्टॉल का वर्ड भी यूज़ किया गया, उसने कोशिश की कि मैं इसको चुरा लूँ। और वेल कहते हैं निकाब को, ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं इट वॉज नाइट टाइम, अब रात के वक्त की ये बात कर रहा है कि रात के वक्त वो दुश्मन इंटर हुआ। एंड डार्कनेस हैड कवर्ड द पोल और द यूनिवर्स, द एनिमी टच्ड द एप्पल एंड डाइड एट द स्पॉट। अब क्या है कि उस एनिमी ने क्या किया कि उस सेब को टच किया और उधर ही वहीं पर लम्हे में मर गया। मेकिंग एफर्ट टू प्लग द फ्रूट, उसने प्लग करने की कोशिश की, प्लग कहते हैं तोड़ने को, फ्रूट वहाँ से, मतलब फल को दरख्त से अलहदा करने की कोशिश की, बिकॉज इट वॉज पॉइजनस फ्रॉम इनसाइड, अब जो वो फल था वो अंदर से बिल्कुल पॉइजनस था। एंड इन द मॉर्निंग द पोएट वॉज ग्लैड, यहाँ पर उसने कहा है ना इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, मतलब सुबह जब मैं उठा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि जब ये वहाँ पर जाता है गार्डन में तो उसका दोस्त वहाँ पर मरा हुआ पड़ा होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कह रहा है द गिस्ट ऑफ द पोएम इज डैड डेवलपिंग एंगर एंड हेटेड इन हिमसेल्फ। ये जब आप यहाँ पर फाइनल में कंक्लूजन जब आप देते हैं तो आपने यही कहना है कि जब आप अपने अंदर गुस्सा रखते हैं आर डेंजरस एंड हार्मफुल, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, नुकसानदेह होता है। वन में इंश्योर वन ओपोनेंट बाय वन एंगर एंड स्कॉर्न बट डेवलपिंग देम इज नॉट एडमायरेबल। तो आप अपने गुस्से को अगर डेवलप करते जाएंगे अंदर ही अंदर, तो वो कैसे काबिले तारीफ़ हो सकता है? तो वो तो काबिले तारीफ़ नहीं हो सकता ना। तो ये था यहाँ पर शायर एक लेसन भी दे रहा है कि आपके दिल में जो भी बात है तो वो उससे कह दो, ना कि वो कल को आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा कोई गुस्सा बन जाए। तो ये इसका लेसन भी है पोएम का। और इसमें थीम ऑफ डेथ भी दिया गया, इस पोएम में आपको थीम ऑफ डेथ मिलता है। तो ये थी आपकी पोएम, आई होप कि आपको समझ आ गई। बट इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोएम यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि दूसरों की हेल्प करना भी सदका जारी है। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, अपने व्यूज़ भी दीजिए, क्योंकि मैंने आपको BA की जितनी भी पोइम्स हैं वो करवानी स्टार्ट कर दी हैं। सीरीज़ के साथ मैं आपको सब पोइम्स करवाऊँगी क्योंकि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। रिगार्ड्स।